So, hi, welcome to this another episode with me, Arshi. और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक्स पे जहाँ पे हम बहुत सारे कॉलेजेस डिस्कस करने वाले हैं. नियर अबाउट 25 कॉलेजेस जो आप 70-80% टाइल पर टारगेट कर सकते हैं. वैसे इस वीडियो को बनाने से पहले आप चेक द कंटेंट व्हाट माय टीम मेड. कुछ कॉलेजेस नहीं भी टारगेट करने चाहिए वो भी मैं बताऊंगी, और मैंने वो कॉलेजेस इसलिए नहीं हटाए हैं ताकि मैं आपको कहीं ना कहीं ये समझा सकूं कि जब आप गूगल पे कॉलेजेस सर्च कर रहे होते हो तो आपके साथ भी सेम यही सिचुएशन होती है जो यहाँ पे लिस्ट के साथ हुई है. आई एम रिक्वेस्टिंग, इट्स माय यू नो हार्टली रिक्वेस्ट, पूरा वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज ये जो परसेंटाइल है इसमें बहुत मैनिपुलेटेड तरह के भी कॉलेजेस होते हैं. अगर आपका परसेंटाइल 90 है, आपका परसेंटाइल 95 प्लस है, सारे कॉलेजेस थोड़ा बहुत डिफरेंस है भी, पर फिर भी वो अच्छे कॉलेजेस हैं. बट यहाँ पे कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे एवरेज पैकेज आपको 14 लाख का दिखेगा, बट इन रियलिटी 6 लाख का भी नहीं होगा. तो बहुत सारी आपको कहीं ना कहीं टिप्पणी देने वाली हूँ, पूरा वीडियो जरूर देखें. और देखने के लिए क्या करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड. So hey, what's up and welcome to this episode. 70-80% CAT colleges. इस वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आने वाले हैं. आप चाहो तो यू नो जैसे ही वीडियो डलेगा उसके 10 दिन बाद आप देखोगे यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ व्यूज, और कुछ ही महीने में हजारों व्यूज होंगे. मैं ये वीडियो बनाने से पहले ही इसलिए इतना ज्यादा श्योर हूँ. इस साल एक तो एस्पिरेंट्स थोड़े से ज्यादा हैं अगर हम कैट की बात करें, बट ये परसेंटाइल ऐसा है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है. दे गॉट कन्फ्यूज बिकॉज कई सारे कॉलेजेस लिस्ट में ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं 50% वाले बच्चों को भी मिल जाते हैं, बट वहां पे मेंशन ऑनलाइन रहता है 70-80%. फिर से आपको कह रही हूँ, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है. भले आप समझो कि मैं पेड प्रमोशन कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, प्लीज उसको फिल करो, पूछो कि आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो. बिकॉज एवरी सिंगल ईयर आई ट्रैवल लॉट, आई मीट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको उनके कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं. एंड ऑल्सो वीडियोस के साथ एक लिमिटेशन होता है, आप एक लेवल तक ही बता सकते हो कि अच्छा ये कॉलेज ऐसा है. मैं हर वीडियो में पूरी कोशिश करती हूँ हिंट देने की कि आप डिसाइड कर सको कि आपको ये कॉलेज लेना है नहीं लेना है. बट ज़्यादा डिटेल में प्रोफाइल के बेसिस पे जानने के लिए नीचे का फॉर्म फिल करना इंपॉर्टेंट है. बट दिस वी स्टार्ट दिस एपिसोड जहाँ पे सबसे पहले कॉलेज है बिमटेक नोएडा. थोड़ा एक्सपेंसिव है, ROI इज समथिंग बट यू कैन से, बट अच्छा कॉलेज है. आप 75% के अराउंड, 70-75% के अराउंड आप कंसिडर कर सकते हो. फीस 11-13 लाख दी है, बट टोटल फीस थोड़ी ज्यादा है, ये आप एक बार वेरीफाई कर लेना. एवरेज पैकेज 9,38,000 का है इस कॉलेज का. तो मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नियर अबाउट 17-18 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, और 9-10 लाख के बीच का एवरेज पैकेज है. बट फॉर अ स्टूडेंट जिसका 70-75% है, वो चाहे तो इस कॉलेज को टारगेट कर सकता है फॉर देयर कोर प्रोग्राम्स, राइट. अगेन आई एम सेइंग कोर प्रोग्राम्स बिकॉज ये रिटेल मैनेजमेंट और भी कई प्रोग्राम्स ऑफर करता है जिसमें ये मैट के बेसिस पे भी एक्सेप्ट करता है. देन उसके बाद जो दूसरा कॉलेज है दैट इज IMT हैदराबाद. IMT हैदराबाद और IMT नागपुर, ये दो कॉलेजेस हैं, राइट. IMT हैदराबाद डूइंग लिटिल बेटर देन IMT नागपुर, दो नागपुर जो है वो बाद में पहले स्टैब्लिश हुआ है. अगर मैं इस कॉलेज के एवरेज पैकेज की बात करूं तो दे आर क्लेमिंग 12 लाख का एवरेज पैकेज, बट एज पर स्टूडेंट्स इंट्रैक्शन आप 10-11 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज इस कॉलेज का मान सकते हो. 75% पे भी आप अप्लाई कर सकते हो बिकॉज दे गिव कॉल अगर स्टूडेंट्स का प्रोफाइल अच्छा है. एंड 80% पे पूरे चांसेस है कि आप उसको कॉलेज से कॉल आ जाएगा. देन हाउ यू कन्वर्टेड, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी. सो दैट इज 75% कैट कट ऑफ. यहाँ पे 72 दिया तो 70-75%. देन IIFM, ये गवर्नमेंट कॉलेज है. I am based out of Bhopal. I've seen this college, very sundar campus. But ये college जो है वो specific course कराता है which is related to forest management only. तो अगर आप अपना career forest management में देखना चाहते हो then in that case you can target this college. मेरी student है, her name was Anuradha Sehgal. आज से 2 साल पहले she converted to this college with 75% in CAT. And even last to last year also, I'm not able to recall the name, she also get converted this college last year with 75% in CAT. बिकॉज बच्चा थोड़ा सा कम प्रेफर करता है, कई बच्चों को पता भी नहीं होता है. अगर आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट में देख रहे हो 75-80% पे कैट में आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो. गवर्नमेंट कॉलेज है, भोपाल में लोकेटेड है. एवरेज पैकेज 10,38,000 का, बट इनके एवरेज पैकेज में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है. थोड़ा सा प्रोफाइल्स
बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है। हर बच्चे के कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं, किसी बच्चे के एक्सपेक्टेशन प्रोफाइल्स पे हो सकते हैं, किसी बच्चे के एक्सपेक्टेशन एक्सपोजर पे हो सकते हैं, किसी स्टूडेंट के एक्सपेक्टेशन यू नो कितना पैकेज उस पर हो सकते हैं। तो अगेन प्रोफाइल टू प्रोफाइल कॉलेजेस वेरी करते हैं। इफ यू वांट टू नो दैट आपकी प्रोफाइल आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कौन सा कॉलेज सही है, या फिर जो आपने कॉलेज शॉर्टलिस्ट किया है वो लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वॉन्टेड टू कनेक्ट विद दी स्टूडेंट्स, आप नीचे का फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हो। बिकॉज मैंने लास्ट ईयर बहुत सारी वीडियोज में ये बोला है गो टू लिंक्डइन टॉक टू देम, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, कई बच्चों ने ये बोला कि यू नो वो जो सब प्रोफाइल्स है दैट आर बीइंग क्रिएटेड बाय कॉलेज इटसेल्फ। सो अगेन मैंने क्यों बोला ये पूरा वीडियो जरूर देखना, बिकॉज बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी जो कि आपको हेल्प कर सकती है अभी, क्योंकि आप ये एग्जाम्स देते हैं, ये एग्जाम का डेटा मार्केट में बहुत सारे लोग मिलता है एंड दे गिव यू कॉल्स मल्टीपल टाइम्स एवरी सिंगल डे टेलिंग यू ये कॉलेज ले लो, ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, यू डोंट नो देम, राइट? तो सोच समझ के शॉर्टलिस्टिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कितना भी कहो अगर आप एक बहुत एवरेज से कॉलेज में भी जाते हो देन ऑल्सो आपको 10 से 15 लाख इन्वेस्ट करना है जो आप लोन लेके जाओगे, राइट? किसी कॉलेज ने मेंशन कर दिया 10 लाख, आप एक्स वाई जेड वेबसाइट पर गए वहां पर भी 10 लाख है, पता चला इन रियल में जाके कि अच्छा यहाँ पे तो उतना पैकेज ही नहीं है, तो आप एकदम डीमोरलाइज हो जाते हो, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है। बिकॉज मुझे जितना नॉलेज है ऑलमोस्ट 80-85% बच्चा लोन लेके एमबीए करता है और ये उसका फाइनल इन्वेस्टमेंट होता है। आपको हो सकता है लगे कि यू नो व्हाई आई एम सेइंग सो मच अबाउट कि यू नो थोड़ा ज्यादा रिसर्च करो, बिकॉज आई सी मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल ईयर्स स्टूडेंट्स गेटिंग इन टू रॉन्ग कॉलेज। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था, ही इज करंटली स्टार्टिंग विद IIM भुवनेश्वर एंड ही वॉज अबाउट टू गो इन टू अ कॉलेज विच वॉज नॉट इवन इन पुणे, राइट? एंड उस बच्चे के पास 2 साल का एक्सपीरियंस था, राइट? जिस कॉलेज में वो जा रहा था उसका एवरेज पैकेज दे आर क्लेमिंग 7 लाख, बट नियर अबाउट हार्डली 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज था, और वो कॉलेज जिसमें अभी है उसका एवरेज पैकेज में काफी डिफरेंस है। तो प्रोफाइल टू प्रोफाइल कॉलेजेस वेरी करते हैं, प्लीज मेक दिस थिंग श्योर, इट्स माई रिक्वेस्ट, डू अ प्रॉपर एनालिसिस एंड देन चूज कॉलेज, बिकॉज इस परसेंटाइल पे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस होते हैं, राइट? हो सकता है वीडियो बोरिंग लग रहा हो, लंबा लग रहा हो, बट हर जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, जब किसी कॉलेज में चले जाओगे कुछ टाइम हो जाएगा आपको रियलाइज होगा दैट आपने मेरा ये वीडियो देखा था, मैंने आपको बोला था, बट आपने शायद उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। इसके साथ साथ मैं स्वाइप लेफ्ट राइट करूंगी एंड वी हैव ज़ाइम बैंगलोर, ज़ाइम 75 पे दिया हुआ है, पर ज़ाइम के साथ क्या है, ज़ाइम यू नो आप कम परसेंटाइल पे भी कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हैं, इसको आप 60 पे भी कर सकते हैं, इवन 55 पे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कई सारी लिस्ट देखते हैं, मैंने ये कॉलेजेस क्यों नहीं हटाए, मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि मैंने कंटेंट बनाने से पहले आप चेक ऑल द कॉलेजेस, बट मैंने हटाई नहीं बिकॉज आपके साथ भी ये सेम होता है। नॉट सेइंग ज़ाइम बैंगलोर बुरा ऑप्शन है, अच्छा कॉलेज एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, बट बच्चा ऑनलाइन क्या देखेगा, अच्छा 75% कट ऑफ है तो मैं तो अप्लाई ही नहीं कर सकता, 9,20,000 का क्लेम कर रहे हैं। लास्ट ईयर थोड़े से इनके प्लेसमेंट के साथ इश्यूज थे ड्यू टू रिसेशन, राइट? एज पर वी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स अनप्लेस भी रह गए थे, बट स्टिल कॉलेज अच्छा है, काफी पुराना है, फैकल्टीज है, पर आप इसको कम परसेंटाइल पे भी टारगेट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई बहुत बेटर ऑप्शन नहीं मिलता है तो 75 पे भी आप ज़ाइम रख सकते हैं। लीबा चेन्नई, आई थिंक मैंने लीबा पे वीडियो बनाया है, वो वीडियो जो है वो स्टूडेंट का ही है, राइट? He is basically one of my friend. I asked him, "Yar, come, let's make video." He completed his MBA from Liba Chennai. Average pack, median 11.5 lakh का इस college का है। अगर आप cut off की बात करोगे तो 80% cut off का है। ये college के साथ क्या है? ये अच्छा college है। ये कई साल पहले इंडिया के टॉप colleges की लिस्ट में आता था जब colleges काफी कम हुआ करते थे। With year, I'm not saying ये बुरा option बन गया है, पर जितने कई सारे नए colleges आके उन्होंने ज़्यादा मार्केट ग्रैप किया उतना लीबा नहीं ग्रैप कर पाया, पर ये फिर भी काफी अच्छा कॉलेज है, 80% पे अप्लाई कर सकते हैं, 11.5 लाख का मीडियन पैकेज है। देन IIM भुवनेश्वर, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 80% दिया है क्योंकि गूगल पे भी हर जगह 85 आएगा, आप इसमें 60 पे भी जा सकते हैं, 65 पे भी जा सकते हैं, 75 पे भी जा सकते हैं, पर कौन बच्चा 60, 65, 75 पे जा सकता है, जिसका प्रोफाइल अच्छा है, लेट्स से आपके पास एक्सपीरियंस है, राइट? लेट्स से आपके अकेडमिक्स अच्छा है, तो यहाँ पे प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन है, बट मैं इसलिए आपको स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि 80% कट ऑफ नहीं है, आप 70 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 75 पे भी कर सकते हैं, 65 पे भी कर सकते हैं,
सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को बहुत इजीली मिल जाएगा, राइट, क्योंकि 180 का इनका इनटेक है. एंड पर ये है कि प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन है व्हेन इट कम्स टू आईएमआई. देन उसके बाद आप ग्रेट लेक चेन्नई अप्लाई कर सकते हैं 80% टाइम पे, 14.5 लाख एवरेज पैकेज है. कई सारे प्रोग्राम्स के लिए 80% टाइम पे कॉल आ जाता है, बट 80-85 आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देन यहाँ पे आई एम विशाखापट्टनम, आप सोच रहे होंगे 80% टाइम पे, इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स को इस पर्सन टाइम पे कॉल आया है. दैट इज द रीजन आई कैप्ट इट दिस स्पेसिफिक कॉलेज. लास्ट ईयर ट्रस्ट में मैंने कई सारे बच्चों को देखा है जिनको कैटेगरी का भी रहता है, बट कॉल आए हैं जिन्होंने नए प्रोग्राम, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस कम अप विद बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स और लेट्स से हेल्थ केयर प्रोग्राम. सो आप अगर कॉल आता है इसके लिए अप्लाई करने का तो मैं नहीं बोल सकती, दैट इज अगेंस्ट कॉल्स. आप जब फॉर्म भरते हो अगर आपको कॉल आता है तो आप कर सकते हो. एवरेज पैकेज 16.61 लाख का है. देन माइका अहमदाबाद, बट माइका के साथ क्या है, 70-80% आप 75-80% पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपका कैट में है या फिर जैट में है, पर इसके लिए माइकैट देना बहुत जरूरी है. कैट के साथ माइकैट, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कैट में 85 स्कोर कर लिया माइकैट नहीं दिया, आपको ये देना जरूरी है. इस कॉलेज का एवरेज पैकेज इस साल 30 लाख के आसपास क्लेम कर रहे हैं. 21 लाख का फीस है. रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, मार्केटिंग ब्रांड मैनेजमेंट के लिए नोन है. मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं. देन वेलिंगटन मुंबई, यहाँ पे 70 दिया है, बट वेलिंगटन का 70 नहीं है. 80% पे आप अप्लाई कर सकते हैं. वेलिंगटन में कई बच्चे का 75 को भी कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इनटेक बहुत ज्यादा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स कराता है. अगर आप स्पेशलाइजेशन वेलिंगटन बैंगलोर में देखें, वेलिंगटन मुंबई और बैंगलोर में देखेंगे तो बहुत सारी हैं. तो कई बच्चों को तो एनएड में भी कन्वर्ट हो जाता है सीमैट के थ्रू, कैट के थ्रू, जैट के थ्रू, वे मल्टीपल ऑप्शन. 12.49 लाख का कहीं ना कहीं इसका एवरेज पैकेज है. फीस स्ट्रक्चर 13 दी है, बट इट्स नॉट द कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्राइस्ट ने दिया है, क्राइस्ट के साथ क्या है, 50 पे भी अप्लाई कर सकते हो, 60 पे भी अप्लाई कर सकते हो, इवन कम पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट बहुत सारी जगह ये 70% दिया होगा. 7.7 लाख एवरेज पैकेज है. इस कैटेगरी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं, जो कि इवन क्राइस्ट से भी बेटर हैं, बट गूगल पे आपको मिलता है. बच्चे कई बार सिर्फ ब्रांड रेपुटेशन देख के ठीक है यार इसका नाम सुना है लेट्स गो फॉर इट. प्लीज डू वट यू एग्जैक्टली वॉन्ट. आपके लिए और आपके दोस्त के लिए कॉलेज अलग हो सकते हैं. सिर्फ इसलिए नहीं जाना है कि मेरा दोस्त जाना है, दोस्त जा रहा है बिकॉज मैंने कई बार देखा है कि एक साथ 10-15 बच्चे एक ही सेम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि मेरा फ्रेंड एडमिशन ले रहा है. भाई समझो यार, मतलब आपके लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके दोस्त के दोस्त के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे आर्मी बनाने जा रहे हैं कि यार मेरा एक अलग ही वो रहेगा क्योंकि हम सब साथ में जा रहे हैं. कॉलेजेस आपकी प्रोफाइल के हिसाब से वेरी करेंगे, आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वेरी करेंगे, तो प्लीज ये भीड़ चाल में मत चलो. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर सकते हैं, कई जगह 70 दिया होगा, बट 60-55 इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं. बिट्स फिलानी 75% कट ऑफ है. ये कॉलेज जो है वो इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा ज्यादा नोन है, बट फिर भी अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आपके पास इस पर्सन टाइम पे कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं. 15.9 लाख एवरेज पैकेज इज समथिंग व्हाट दे आर क्लेमिंग फॉर. वेरिएशन कैन बी देयर इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस. अगेन आई एम सेइंग प्रोफाइल कॉलेजेस वेरी करते हैं. डू रिसर्च इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट, फिल द फॉर्म विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से जो कॉलेजेस आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं वो लेने भी चाहिए नहीं लेने चाहिए, दैट आई एम गोना टेल यू, दैट आई एम गोना हेल्प यू आउट कि आप कैसे कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं. IMI उड़ीसा दिया है, दिस इज बेसिकली IMI भुवनेश्वर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वॉज IMI कोलकाता भुवनेश्वर. 80% सेम वही सिचुएशन है जो मैं पहले बता रही थी कि 60 पे भी कर सकते हो, 65 पे भी कर सकते हो, 75 पे. प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स है. 10,07,000 का एवरेज क्लेम कर रहे हैं. लास्ट ईयर मैंने जब बच्चों से बात की थी तो 7-8 लाख का था, बट इस साल 9 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है. अभी जिस एक ही स्टूडेंट से बात हुई है, दैट इज द रीजन मैंने इस कॉलेज पे डिटेल रिव्यू नहीं बनाया है. आप नए हो चैनल पे, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज यहाँ पे पूरे साल आपको सिर्फ MBA और MBA से रिलेटेड चीजें मिलेंगी. ऑल्सो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मेरे लाइव सेशंस की अपडेट आपको वहां पे मिलेगी, सो दैट यू विल बी एबल टू आस्क योर क्वेश्चंस इंस्टेंटली एंड गेट योर जवाब इंस्टेंटली. कि IIT अगेन ये 80% टाइम पे दिया, देखो ये स्कैम है, राइट. कि IIT 40% पे भी हो जाएगा, ये इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज है. 6.5 लाख एवरेज पैकेज. जब बच्चा कहीं देखेगा 80% टाइम, उसको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा कॉलेज है. तो दैट इज द रीजन मैंने इसको लिस्ट से क्यों नहीं हटा. मैं ये नहीं कह रही बुरा है, मेरा ये कहना है बट इससे बेहतर कई सारे कॉलेजेस हैं, मतलब इस पर्सन टाइप पे तो ये बेहतर नहीं है. पहला दैट इज वन थिंग. सेकेंडली यू नो आई डोंट थिंक सो दैट इवन 70% टाइम पे भी तुमको इसको लेना चाहिए. देन उसके बाद आप इरमा आनंद टारगेट कर सकते हो 80% टाइम पे. ये रूरल मैनेजमेंट के लिए नोन है,
16,15,000 का फीस स्ट्रक्चर है एंड एवरेज पैकेज 15,50,000 का है, बट स्पेशली टू दो स्टूडेंट जो रूरल मैनेजमेंट में अपना करियर कहीं ना कहीं देख रहे हैं। NIBM पुणे 80% टाइम बैंकिंग मैनेजमेंट के लिए नोन है, कैट के अलावा सीमाट भी एक्सेप्ट करता है। 15,22,000 का एवरेज पैकेज है, दिस इज RBI रन कॉलेज राइट। अगर फाइनेंस बैंकिंग में अपना करियर देख रहे हो, सबके लिए अगर हम बात करें तो बापों का बाप, क्योंकि बैंक्स का गॉड फादर इज RBI, तो दिस इज RBI रन कॉलेज। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट होता है। मैंने स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया है, आप प्लीज़ वो चैनल पर चेकआउट करना। NIA पुणे, नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी, ये भी दोनों गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, पुणे में लोकेटेड है। 75-80% टाइम इस कॉलेज का कट ऑफ है, 12.5 लाख एवरेज पैकेज है। देन आप MDI मुर्शिदाबाद टारगेट कर सकते हैं, इसको आप 75 पे भी टारगेट कर सकते हैं राइट। जैसे IMT हैदराबाद, IMT नागपुर आप कर रहे हो, एवरेज पैकेज 12,67,000 का, थोड़ा वेरिएशन है, एक बार चेक कर लेना। बट विद 70-75% टाइल ऑल्सो यू कैन अप्लाई, प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन कहीं ना कहीं इस कॉलेज का है। देन निर्मा अहमदाबाद है, 75 इन कैट, नॉट 80, 75% इन कैट आप देख सकते हैं, 12,02,000 का कहीं ना कहीं एवरेज पैकेज है। वी स्कूल बैंगलोर 75 इन कैट, 10 लाख का क्लेम करते हैं, थोड़ा वेरिएशन है, इनटेक ज़्यादा है। अगर बेलिंकर देख रहे हो, इट्स बेटर टू गो फॉर मुंबई, बहुत सारे लोग हैव मेड वीडियोज यहाँ पे दे सेइंग कि बैंगलोर भी अच्छा है, लॉट मोर थिंग्स। बिकॉज होता क्या है कि वीडियोज में भी दो तीन तरह की वीडियोज होती हैं, एक आप हर इंसान बना तो नॉर्मल तरीके से रहा है, एक जेनरिक वीडियो होती है जहाँ पे आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कई सारी पेड वीडियोज भी होती हैं, स्पॉन्सर्ड वीडियोज भी होती हैं। तो आप, मैं फिर कह रही हूँ, डो नॉट इवन रिलाई ऑन मी, हैव रिसर्च, शॉर्टलिस्ट कहाँ जाना है भैया, पैसा तुम्हारा लग रहा है, मैं पैसे नहीं देने वाली हूँ, कोई और पैसे नहीं देने वाला है, उसको रीपे भी तुम्हें करना है, पैकेज भी तुम्हें मिलना है, तो सोच समझ के शॉर्टलिस्ट करनी है। मैंने उसके बाद IMT नागपुर शुरू में ही बता चुकी हूँ, 75 पे भी अप्लाई कर सकते हो IMT नागपुर, 80% पे भी अप्लाई कर सकते हो, 10 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। आई थिंक मैंने कई सारी वीडियोज बनाई लास्ट ईयर, तो आई कोलैबोरेटेड विद देम, आई मेड मल्टीपल वीडियोज, दैट इज ऑल्सो देयर। देन उसके बाद आप ISWBM कोलकाता, अच्छा कॉलेज है, कोलकाता लोकेशन में देख रहे हो, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, एवरेज पैकेज 9 लाख का है इस कॉलेज का, 70% कट ऑफ है, अप्लाई करना पड़ेगा। कई सारे बच्चे जो कम बजट में कॉलेजेस देख रहे होते हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल के बच्चे जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं जाना है, उससे बेटर आप कंसिडर कर सकते हैं। NIT ट्रिची 680 दिया है, 70% 75 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 12 लाख एवरेज पैकेज द क्लेमिंग, वेरिएशन है प्लेसमेंट में यहाँ के भी। थोड़ा सा NITs के साथ क्या है, वो MBA के लिए उतना ज़्यादा मार्केटाइज और उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको प्रमोट करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। कंपनीज पैकेजेस हैं बट प्रोफाइल्स थोड़ी सी लिमिटेड हैं जितना मैंने NITs में देखा है, और NITs में भी थोड़ा बहुत NIT ट्रिची को लोग जानते हैं, बाकी कॉलेजेस के साथ क्या है, बाकी NITs को लोग जानते भी नहीं हैं। कई सारे NITs के बच्चे हैव कॉन्टैक्टेड मी, मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन RNIT ताकि स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकें। मैंने देखा लास्ट ईयर, मैंने कई सारे NITs पर वीडियो बनाया, उसके बाद दे सेड कि मैम बहुत सारे इस साल एप्लीकेशन थे, अगर लास्ट ईयर की हम बात करें तो लास्ट ईयर बच्चों ने अप्लाई ही नहीं किया था, एप्लीकेशन ही बहुत कम आते थे। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई मोटिव टू ब्रिंग आउट कॉलेजेस जहाँ पे बच्चा कम बजट में कौन कौन से अच्छे ऑप्शन को टारगेट कर सकता है। सोइल गुड़गांव 70-65, सॉइल गुड़गांव की कैटेगरी में आप फिर जयपुरिया भी टारगेट कर सकते हो। फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कहीं ना कहीं OP जिंदल बच्चा रखता है, BML मुंजाल रखता है, देन ILM रखता है, फर्स्ट टाइमर रखता है, तो ये सब उसी कैटेगरी के कॉलेजेस हैं। सॉइल गुड़गांव का PGDM उतना अच्छा रिव्यू नहीं है, PGPM का रिव्यू अच्छा है, विच इज़ फॉर स्टूडेंट जिनके पास कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है, 10 लाख एवरेज पैकेज ये क्लेम कर रहे हैं। देन जयपुरिया नोएडा है, अगेन 70% UBS मुंबई है, यू हैव मल्टीपल कॉलेजेस विद 70%, आप ITM अप्लाई कर सकते हो, आप एटलास अप्लाई कर सकते हो, आप बालाजी पुणे अप्लाई कर सकते हो, आप कम बजट में अगर आप देख रहे हो, नहीं कम बजट, आप जयपुरिया इंदौर भर सकते हो। देन उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कोई कॉलेज मिस कर रही हूँ, अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर आप भर सकते हो, अलायंस के साथ साथ आप चाहो तो, हो सकता है मैं कुछ कॉलेजेस मिस कर रही हूँ, OP जिंदल, BML मुंजाल, इंडस पुणे, ISBNM है, PIBM है, RIM पुणे कम बजट में अगर आप देख रहे हो, एंड ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं 70% पर जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कहाँ का एवरेज पैकेज क्या है, क्या प्रोफाइल है, कुछ HR के लिए नोन है, कुछ मार्केटिंग के लिए नोन है, दैट इज समथिंग यू नीड टू सी, एंड देन शॉर्टलिस्ट कॉलेजेस। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन इन ऑल योर ग्रुप्स,
मम्मी को दिखाओ, पापा को दिखाओ, दोस्त को दिखाओ, गर्लफ्रेंड को दिखाओ अगर वो MBA कॉलेज देख रही है. एंड ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.